बलोची बिरयानी, बलोच कम्युनिटी को खुश करने के आज हम बना रहे हैं बलोची बिरयानी। में बलोची नहीं आती तो मैं ये लफ्ज़ आपको बलोच में बोल के तो मतलब सबसे खूबसूरत मम्मा का, सबसे खूबसूरत उसके बाद मेरा खूबसूरत, फिर सबीका का बस। चलिए फिर अब हम माँ बेटी लोग जो हैं वो खाना खाते हैं। पापा ने तो वहाँ पे खाना खा लिया, अब हम लोग खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग से अनदर व्लॉग। मैं हूं माया सिंह। हैप्पी संडे। जी हाँ, कैसा गुजर रहा है आप लोग का संडे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सारे रोटी ऑफिशियल, आपने बताया नहीं कि आप अहमद जहां जेब के पास चली गई थी उनके घर, उनसे मिलने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए स्कूल की, तो वो आपसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई, क्या हुई प्लीज़ ये तो बताइए ना, क्योंकि जो कमेंट पढ़ रहे हैं वो भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आपकी मुलाकात उनसे हुई थी कि नहीं हुई थी उस टाइम। और दूसरी बात यहाँ पे आपने बिल्कुल जो है सही पहचाना, क्योंकि एक जो है एक फीमेल ही दूसरी फीमेल को पहचान सकती है कि दूसरी ये क्यों खरीद रही है, किस बाइक गई है पीछे से, क्योंकि इस शाम का वक्त है। आज की ब्लॉगिंग मैंने शाम में स्टार्ट की है, क्योंकि आपको पता है कि आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं और ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। गेस्ट का फेस रिवील नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ, इस चक्कर में आके वीडियो नहीं देखना, क्योंकि गेस्ट जो है वो पापा के फ्रेंड हैं और बस वो आ रहे हैं। तो मामा ने कहा कि चलो ठीक है आ रहे हैं, तो हम पापा ने कहा कि डिनर का थोड़ा इंतजाम कर लो उनके लिए, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अरमान हसन थैंक यू सो मच, आप हमेशा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और सैफ लाइफ स्टाइल यार, ग्रोसरी तो वो होती है ना जो किसी मार्ट शॉर्ट में जाएं और यू 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 ट्रॉली लेके ऐसे ऐसे करें, ये क्या ग्रोसरी मार्ट वालों ने तो आजकल ऐसी सख्ती लगाई है, कैमरा उठाओ, कैमरा नीचे, कैमरा नीचे। और सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, सबकी के साथ है, बड़े से बड़े यूट्यूबर के साथ उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई हुई है। तो खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और फैजान खान थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और हैप्पी संडे अगेन। चलिए फिर मैं किचन में चलती हूँ। कर आए थे तो आज जो है हमारी ग्रोसरी भी जो है वहाँ ले लूँ तुम्हें। आज जो है हमारी ग्रोसरी भी आ चुकी है और अभी जो है कुछ सामान आया है और कुछ नहीं सामान आया है, और कुछ सामान जो है वो नहीं आया है जो पहुँचाएगा बच्चा। और चले जी फिर इसको अभी बिरयानी वगैरह बनाते हैं, फिर बाद में जो है ग्रोसरी खोलेंगे। असल में मैं पापा के मोबाइल से बिरयानी की जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कह रहे हैं मेरा मोबाइल दो, मेरा मोबाइल दो, दे रही हूँ पापा दे रही हूँ, तो कह रहे हैं दो मेरा मोबाइल, दो मेरा मोबाइल। और मैं यहाँ बलोची बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने उन्हीं के फ़ोन से, मैंने कहा इन्हीं के फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँगी। यहाँ पर जो है बिरयानी का सालन जो है मैंने चढ़ा दिया है, अब साथ ही साथ जब तक मैं उसको भून रही हूँ तो जो काम जो है वो फैल गया है, तो उसको जो है मैं समेटते जाती हूँ। फिर जो है मम्मा के हाथों की मज़ेदार चीज़, अभी हम लोग शाम में पियेंगे चाय, क्योंकि माँ के हाथ की चाय तो आपको पता ही है कितना फ्लेवर देती है। आपको पता है कि नहीं पता, मेरी मम्मा चाय बहुत मज़ेदार बनाती है, हर चीज़ बहुत मज़ेदार बनाती है, पर मैं तो चाय की नशेर हूँ तो चाय बहुत अच्छी बनाती है। और चले जी, सारा सामान जो है मैं समेटती जाती हूँ, साथ ही साथ मेरा यहाँ पे कोरमे की बुनाई भी हो रही है। और आज हम बना रहे हैं बलोची बिरयानी, बलोच कम्युनिटी को खुश करने के आज हम बना रहे हैं बलोची बिरयानी। में बलोची नहीं आती तो मैं ये लफ्ज़ आपको बलोच में बोल के बताती हूँ। चले जी इसको बनाते हैं। मेरा हाथ काला है, सबिका का मेरा, और ये मम्मा का, रखे 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 क्या हो? नहीं, मम्मा का हाथ तो मतलब सबसे खूबसूरत, मम्मा का सबसे खूबसूरत उसके बाद मेरा खूबसूरत, फिर सबिका का बदसूरत। पता नहीं मुझे काला रंग लग रहा है, पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ सबसे बुरा, मम्मा का हाथ सबसे बुरा है। मैंने मम्मा का हाथ बहुत प्यारा हाथ है, मम्मा का बहुत प्यारा है। ये वही नेल कलर लगा लिया मैंने, रेड कलर मैंने अभी रिमूव किया, इसने रिमूव किया। चले जी, और मिक्स करना है। ये चाय आ गई। अच्छा जी अरमान हसन, आपने कहा था कि आप जो है ब्रेकफास्ट में रोज़ जो है केकर्स खाते हैं, तो तब से बस चाय में डिप करके, तो बस ये तब से मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मुझे भी खानी है, क्योंकि आई नो कि वो कितना टेस्टी लगता होगा। तो मैंने जो है आज फिर जो है केकर्स जो है मंगवा लिया, शॉपर से निकल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट पर मैं निकालती हूँ। तो रात में जो है हमारे यहाँ, एक मिनट यार ये क्या हो गया, क्यों नहीं निकल रहा है, एक मिनट रुके निकालते हैं इसको हम। चले जी ये निकल गया। और रात में जो है हमारे यहाँ चाय पार्टी होगी, टी पार्टी होगी, तो उसमें जो है आज मैं ये डीप करके जो है चाय में एंजॉय करूँगी। एक खा लिया जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि बस उस दिन से जो है मेरे दिमाग में ये बात जो है ना घूम रही थी, तो आज मैंने ये मंगवा लिया है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बिरयानी का ख़ास झोल बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे यहाँ पे भी शेयर कर लेती हूँ। दो खाने का चम्मच मैंने दही लिया और बिरयानी के कोरमे के ऊपर जो रोगन आता है, जो कि ऑयल आ रहा होता है, उसको जो है उसमें ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर जो कि 1/4 टीस्पून है,
इसको जो ऐड करके यहाँ पे एक अच्छा सा मिक्सचर बना लें। तो बिरयानी की तह लगाते वक्त ना ये डाला करें, तो इससे कलर जो है बड़ा ही परफेक्ट शानदार रहता है। और बिरयानी जो है कहीं से वाइट रहती है, कहीं से मसाले वाली रहती है, कहीं से लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, ये सारा कॉम्बिनेशन जो है बड़ा अच्छा सा, बड़ा परफेक्ट सा बनता है। और बिरयानी बनती भी बड़े मज़े की, एक अच्छा सा खूबसूरत सा फ्लेवर, मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर जो है बिरयानी को मैं फ़ाइनल जो है तय लगा रही थी, और पापा के जो है वो फ्रेंड आ चुके थे, लेकिन खैर इतनी देर वगैरह हुई नहीं थी। मामा ने जो है वहाँ पर चाय वगैरह भिजवा दी थी, क्योंकि खाना जो है बिल्कुल टाइम पर जो है बन रहा था। और बिरयानी तो बिल्कुल एंड टाइम पे ही दम पे लगानी चाहिए, ताकि गरम गरम बिरयानी सर्व की जाए तो उसकी तो खैर बात ही अलग है। और ये जो मैंने झोल रेडी करके रखा हुआ था ना, इसको मैंने इस तरीके से डाला है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक होती है, तो इस तरीके से अगर आपने अब तक नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप देखिएगा आप डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर जो है मज़ेदार सी बिरयानी, बलोच बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब आप सोचेंगे आज अचानक इसको बलोच बिरयानी बनाने का कहाँ से शौक आया? तो जी, मैंने बलोच बीफ बिरयानी तो अपने चैनल पर शेयर की हुई थी, पर बलोच चिकन बिरयानी नहीं शेयर की थी। तो मैंने सोचा चलें जी वो मैं आज शेयर भी कर देती हूँ, घर वालों के साथ इंजॉय भी करती हूँ। यहाँ पे जो है ये डिश हमने निकाल ली थी, और अब ये हम पापा के पास भेजने लगे थे, तो मैंने सोचा कि इसी का जो फोटोशूट कर लेते हैं। लग रहा है, और ये सैलड जो है ये रेडी हो चुका है हमारे लिए, और ये बिरयानी जो है ये हम लोगों के लिए। तो चलें फिर, अब हम माँ बेटी लोग जो है वो खाना खाते हैं। पापा ने तो वहाँ पर खाना खा लिया है, अब हम लोग खाते हैं। बता दूँ जो खुशबू उठ रही है ना बिरयानी, बहुत मज़ेदार है। मैं अभी आपको प्लेट में निकाल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है मैं बिरयानी खा रही थी, और मेरी यहाँ पे बोटी के साथ लड़ाई चल रही थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में जो है वो मोबाइल था, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और दूसरे हाथ से मैं यहाँ बोटी को तोड़ने की भरपूर नाकाम कोशिश कर रही थी। और बोटी भी जो है ना मेरी तरह अकड़ी हुई थी कि नहीं टूट के दूंगी, नहीं टूट के दूंगी। समझती क्या हो तुम अपने आप को, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हो तुम। यहाँ पे दोनों हाथों से होता है ना तो वो टूट जाता है, एक हाथ में फोक होता है, एक हाथ में स्पून होता है, तो फिर तो इन्हें टूटना ही टूटना था। खैर यहाँ पे फाइनल जो है मैं कामयाब हुई, और मेरी यहाँ पे बोटी जो है वो टूट चुकी थी, और मैंने अच्छा खासा सैलड लेके यहाँ पे एक बाइट जो है अपना रेडी कर लिया। मुझे बिरयानी में टमाटो बहुत पसंद है, हमने खा ली हो यकीन जानिए, बहुत मज़ेदार टेस्टी बनी है। और रात का टाइम हो चुका है, टीवी लॉन्च की लाइट ऑफ कर दी है, और अभी जो है मामा जो है यहाँ सभी का डार्लिंग के जो है कपड़े कट कर रही हैं। आए आपको दिखाते हैं सभी का डार्लिंग के कपड़े, ये देख लें, इनके देखेंगे, देखेंगे, देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जो है सबसे पहले मामा ने कहा है कि मैं सबके जो है ट्राउज़र पहले सी के उठाऊँगी, तो सबके जो है ट्राउज़र सी के उठेंगे। और यहाँ पर देखें सबके अभी ट्राउज़र सिल रहे हैं, तो अभी सभी का मेरा सिल चुका है, और एक ब्लैक वाली शलवार जो है वो हमारे बंदे की सिल चुकी है, और ये जो है ट्राउज़र ये सभी का सिल रहा है। फूड फीस्ट ऑफिशियल वेलकम माई व्लॉग चैनल जनाब, बहुत खुश हुई आपको यहाँ पे भी देख के। और रुखसाना तला जी, हाँ ये तो कहानी घर घर की है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे स्मार्ट बोला। जब आप मुझे स्मार्ट बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, थैंक यू। जो है वो ट्राउज़र जो है वो यहाँ पे सिल चुका है, और सभी का जो है अपना सिलवाने वाली थी फ्लैपर, लेकिन मम्मा ने जो है उसका ट्राउज़र सीधा, ये देखें कितना प्यारा सा उसका ट्राउज़र सिला है। अच्छा सभी का के ट्राउज़र बिना नीचे जो है कोई डिज़ाइन वगैरह हमने नहीं डलवाया, क्योंकि प्रिंटेड ट्राउज़र था ना तो वो फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मम्मा ने उसका प्लेन जो है वो स्टिच कर दिया। मेरे इसमें जो है डिज़ाइन है मैं आपको दिखाऊंगी, ट्राउज़र में जो है वो डिज़ाइन है, तो मैं आपको जो है वो डिज़ाइन जो है वो दिखाऊंगी अपने ट्राउज़र का भी। देखिए मैंने शोल्डर पे इसका ट्राउज़र लटका लिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही जो है आज की वीडियो को जो है बजी यहीं पर करते हैं एंड। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, बिरयानी पसंद है, बलोच चिकन बिरयानी पसंद आए, तो वीडियो को करें लाइक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नई लाइफ नई वाइफ्स के साथ।